राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस लॉकडाउन में ढील के पहले ही दिन चिंता बढ़ा देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 500 नए केस देखने को मिले हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा उछाल बताया जा रहा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 500 नए केस मिले। अब तक कोरोना के कुल केसों की संख्या 10,554 हो चुकी है। इसमें से 5,638 एक्टिव हैं और 166 लोग कोरोना की वजह से जान गंवा चुके हैं। दरअसल आपको बता दें, क्या दिल्ली में लॉकडाउन खोलने में जल्दबाजी दिखाई गई है? इस पर बात करते हुए केजरीवाल ने कहा था कि फिलहाल कोरोना के साथ ही जीना सीखना होगा, क्योंकि इसका इलाज निकट भविष्य में नहीं दिख रहा। उन्होंने कहा था कि दिल्ली को धीरे धीरे ही खोला जा रहा है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि मेट्रो, मॉल, हॉल फिलहाल बंद है। दिल्ली में अभी तक 1,45,864 टेस्ट किए जा चुके हैं। दिल्ली सरकार उन सभी इलाकों को हॉटस्पॉट मानकर सील किया है, जहां कोरोना के 3 से अधिक मामले एक साथ पाए गए हैं। दिल्ली में अब तक कुल 70 कोरोना कंटेनमेंट जोन है। इन इलाकों को दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस की मदद से पूरी तरह सील कर दिया है। किसी भी कोरोना कंटेनमेंट जोन या कोरोना हॉटस्पॉट में बाहर का कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। इसी तरह इन कंटेनमेंट जोन में रह रहे लोग भी इस इलाके के बाहर नहीं आ सकते। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कोरोना का संक्रमण इन क्षेत्रों से निकलकर अन्य इलाकों में ना फैले। वहीं आपको बता दें, दिल्ली में अप्रैल के मुकाबले मई महीने में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। राजधानी में कोरोना मरीजों की संख्या 10,000 के पार हो गई है। एक विशेषज्ञ का दावा है कि जून जुलाई में कोरोना वायरस अपने पीक पर होगा, यानी उस दौरान सबसे ज्यादा मरीज सामने आने और वायरस के खतरनाक होने की संभावनाएं जताई जा रही है। इसका आकलन बताता है कि आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर हो सकती है। वहीं आपको बता दें, राजधानी में 2 मार्च को कोरोना का पहला मामला सामने आया था। धीरे धीरे ये मामला बढ़ता गया और 31 मार्च दिल्ली में कोविड मरीजों की संख्या 120 तक पहुंच गई। मार्च में संक्रमण की रफ्तार बहुत कम देखी गई। डॉक्टरों का कहना है कि मार्च में वायरस का प्रमुख स्रोत विदेश से आए लोग थे। उस समय तक आम लोगों में संक्रमण ना के बराबर पहुंचा था। वायरस उन्हीं लोगों में पाया जा रहा है जो विदेश से आए थे या उनके संपर्क में थे। लेकिन जैसे जैसे समस्या बढ़ती गई, संक्रमण की रफ्तार बढ़ती चली गई और मार्च के तक निजामुद्दीन इलाके में संक्रमण का बड़ा हॉटस्पॉट बना। इसके बाद अप्रैल में अचानक दिल्ली में संक्रमण की रफ्तार बढ़ गई। वहीं आपको बता दें, 31 मार्च को दिल्ली में मरीजों की संख्या 120 थी, जो अगले 5 दिनों में 500 के पार पहुंच गई। इसी वजह से निजामुद्दीन इलाके का हॉटस्पॉट था। इसके बाद अप्रैल में हर 5 दिन में मरीजों की संख्या 400 से 500 तक बढ़ने लगी। 20 अप्रैल तक ये संख्या 2,000 के पार पहुंच गई और अप्रैल अंत में दिल्ली में 3,515 पॉजिटिव मरीज हो गए। LD न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।